बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। आज हम बना रहे हैं टिक्का पिज़्ज़ा। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा रेडी करने के लिए हमने चिकन लिया है हाफ के जी। हाफ के जी चिकन के अंदर हम डालेंगे रेड चिली पाउडर है 3 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर है 1 टीस्पून, भुना कुटा जीरा है 1 टीस्पून, नमक है 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर है 1/2 टीस्पून और फूड कलर लिया है हमने 1/4 टीस्पून। इसके अंदर कुछ और चीज़ें डालेंगे जिसमें है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, सिरका है 4 टेबल स्पून, दही है 4 टेबल स्पून और इसके लिए हमने ऑयल लिया है 3 टेबल स्पून। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने चिकन के अंदर डाला ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे दही। दही डालने के बाद हमने इसके अंदर डालना है सिरका, और ये तमाम स्पाइसेस डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने आधा घंटे के लिए इसको रख देना है। चिकन के अंदर तमाम मसाले डालने के बाद देखें जी, हमने इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे आधे घंटे के लिए, और हम तैयार करते हैं डो, क्योंकि उसे भी हमने रेस्ट देना होगा ताकि वो अच्छा सा राइज हो जाए। हमने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया है। अच्छा जी, अब हमने डो रेडी करनी है। डो के लिए हमने लिया है मैदा 1 कप। इसके अंदर हम डालेंगे कुकिंग ऑयल, ऑयल है 2 टेबल स्पून, शुगर हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून, नमक जाएगा इसके अंदर 1/2 टीस्पून, और ये मिल्क पाउडर है 1 टेबल स्पून, और 1 टीस्पून हमने इसके अंदर डालनी है ईस्ट। ये जो ईस्ट है ये है इंस्टेंट ईस्ट, ये ली है हमने 1 टीस्पून। ये जनाब मैंने ली है, आपको नज़र आ रहा होगा, इंस्टेंट ईस्ट 1 टीस्पून। और इस डो के लिए हमें जो वाटर चाहिए वो हमें नीम गर्म चाहिए। मैदे को हमने छान लिया है। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं मिल्क पाउडर 1 टेबल स्पून, शुगर और सॉल्ट, साथ ही हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है, ईस्ट डालेंगे और हमने इसको नीम गर्म पानी से गूंद लेना है। पानी डालेंगे आप जितना जितनी हमको नीड होगी इतना हम पानी डालेंगे और उसको गूंदते जाएंगे। आटे को हमने गूंद लिया है। अब इसको हम कवर करके छोड़ देंगे रेस्ट के लिए। टाइम मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी मैं इसको 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ, और फिर मैं आपको बताती हूँ कितना टाइम लगा है इसको राइस होने में। चिकन को हमने मैरिनेट करके रख दिया था, इसको आधा घंटा हो गया है। इसको अब हमने डाल दिया है एक बर्तन में, और इसको हम कवर करके मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। चिकन अपने ही पानी में गल जाएगा। जब ये गल जाएगा हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। भूनने के बाद हमने जो है कोयले की इसमें स्मोक देना है। चिकन को हमने कवर कर दिया था, चिकन तकरीबन गल गया है। अब हमने फुल फ्लेम पर इसका जो इसका पानी है, ये दही और चिकन का अपना पानी है, इसको हम ड्राई कर लेंगे। इसके बाद हमने इसमें स्मोक देनी है और चिकन रेडी हो जाएगा। चिकन को देखें जी, अच्छी तरह से भून लिया है। अब हमने इसमें देनी है स्मोक। ये हमने आटे को रखा था आधे घंटे बाद, देखें हमने इसमें इस तरह से मुक्की लगानी है और फिर इसका एक पेड़ा बनाना है। इसके बाद हमने इसको इस तरह से रोटी बेलनी है। ये हमने एक प्लेट ली है, इसको हमने ग्रीस किया, और इसके ऊपर हमने ग्रीस करने के बाद इस डो को इस पर फैला दिया है। हमने अब इस डो के ऊपर लगानी है पिज़्ज़ा सॉस।
पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी पिज़्ज़ा सॉस की वीडियो मैंने अपलोड की है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है और बहुत अच्छी ये सॉस बनती है, आप बनाकर इसको किसी भी जार में रख लें। अगर आप घर में नहीं बनाना चाहते तो मार्केट से भी मिल जाती है आसानी से। हमने सबसे पहले इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस को फैलाया। अब हम एक फोर्क लेंगे और इस तरह से हमने इस पूरी डो में फोक की मदद से इस तरह से लगा देना है। अब हमने इसके ऊपर जो चिकन बनाई थी उसको मैंने स्मोक दे दिया था और उसके मैंने ये इस तरीके से उसको रेशे कर लिए, उसके स्मोक दी थी इसीलिए इसका नाम टिक्का रखा है, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। ये देखें जी, ये रख लिया है। अब इसके ऊपर डालेंगे हम प्याज। प्याज डालने के बाद हम इसके ऊपर शिमला मिर्च और टमाटर के हमने क्यूब्स काटे हैं। प्याज डाली है हमने। अच्छा जी, प्याज डालने के बाद हमने डालना है इसके ऊपर चीज़, चेडर और मोजरेला दोनों चीज़ हैं। कद्दूकस करके मैंने इसको रख लिया था। दोनों चीज़ हमने डालनी है, चेडर भी और मोजरेला भी। ये हमने इसके ऊपर चेडर डाल दी थी, अब हम इसके ऊपर मोजरेला चीज़ डाल रहे हैं। चीज़ से तो इसमें मज़ा आता है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे टमाटर के पीस। बीज निकाल लिए इसका इसके और इसको क्यूब्स की तरह इसकी कटिंग कर ली है। शिमला भी इसी तरह हमने क्यूब्स में कटिंग किया है। ऑलिव्स डाल दिया इसके ऊपर। हमने अब इसके ऊपर एक चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च की डालनी है। अच्छा जी, अब ये बिल्कुल रेडी है बेक होने के लिए। मैं इसको पतीले में बेक कर रही हूँ। पतीले को मैंने 10 दिन पहले रख दिया था गर्म होने के लिए और उसके अंदर मैंने एक स्टैंड भी रख दिया है। ये देखें, मैंने इसको स्टैंड के ऊपर रख दिया है। मैं इसको अब कवर कर दूंगी, फ्लेम को मैं मीडियम कर दूंगी। मैंने पिज़्ज़ा को 7 मिनट के बाद देख लिया है। 7 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो गया है। आप देखें, इसकी चीज़ भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है और ये अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसको निकालते हैं। थोड़ा इसको ठंडा करने के बाद फिर मैं इसकी कटिंग कर कर आपको दिखाती हूँ। पिज़्ज़ा को मैंने पतीले से बाहर निकाल लिया है। ये देखें, ये पक चुका है। अच्छा जी, कुछ कुछ लोगों को पसंद होता है थोड़ा इसकी जो डो है वो हार्ड, तो आप इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दें तो इसकी डो हार्ड हो जाएगी। और आपको सॉफ्ट ही पसंद है तो 7 से 8 मिनट में ये पिज़्ज़ा जो है बहुत अच्छे से बेक हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा ठंडा करके और फिर इसको कट करके आपको दिखाती हूँ। और ये जनाब चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। ये देखें, बहुत अच्छा सा बेक हो गया है। ये देखें, इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। ट्राई कीजिएगा, वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल कुकिंग इन द किचन को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।